हरचंद कि आपको किसी खत की राख ना ढूंढ सकें, मगर फिर भी झूठ ना बोलने की खातिर बता देती हूँ, वो समानी खाला का खत था। समानी खाला? समानी खाला का खत जलाने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। आग के जिस दरिया से मैं गुजर रही हूँ, वहाँ साया छुपा लेने की भी ज़रूरत है, और अल्लाह आप पर ऐसा वक्त ना लाए। क्या हुआ महविश, तुम खामोश क्यों? कुछ नहीं, क्या कह रही थी तुम? रात में भुप्पो लोग आ रही हैं कुछ मेहमानों के साथ। ला रही होंगी कोई बेढंगा से रिश्ता तुम्हारे लिए। और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे? मगर उन लोग को बाबा ने बुलाया है, इसमें फुप्पो का क्या कसूर? तुम्हें एतराज है कि इसमें बाबा की मर्जी क्यों शामिल है? नहीं, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आज रात में खाने में क्या बनाऊं। मुझे नहीं मालूम, मैं बोर हो चुकी हूँ इन नाम निहाद रिश्तों से, जिन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज है, चाहे कोई अपनी जान की बाजी हार जाए। अच्छा छोड़ो ये सब, आज फरीदा भाभी के घर में चले, काफी दिन हो गए हम लोग गए नहीं वहां पे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हम जाते हुए रास्ते में से बाजार भी जाएंगे, मुझे कुछ चीजें लेनी है, काफी दिनों से सोच रही हूँ लेने का। तुम बैठो, मैं तैयार होती हूँ। आज तो तुम बच गई, लेकिन बहुत देर तक नहीं बच सकोगी। आप दुरुस्त कह रही हैं। तो तुम्हें यकीन है कि तुम एक ना एक दिन जरूर पकड़ी जाओगी। मैं आप कौन सा आजाद घूम रही हूँ, आप तो बिला वजह हलकान हो रही हैं। किसी दिन मेरा गला घोंट दीजिएगा और इसे खुदकुशी जाहिर कर दीजिएगा, आपकी बेचैनी को करार मिल जाएगा। मैं अब जाऊं? नहीं, अब मेरे पैरों का दर्द और थकन भी तुम ही दूर करोगी। कहती है गला दुबा दूं, दिल तो हर वक्त यही चाहता है, अगर इस तरह मेरी रूह को कभी सुकून ना मिल सकेगा, जब तक मुझे ये पूरा राज मालूम ना हो जाए कि आखिर तूने मेरे हाथों की लाठी क्यों छीन ली, क्यों? और मैं इस राज तक पहुंच कर ही चैन से बैठूंगी, तब फिर तेरा गला मैं नहीं दुबाऊंगी, बल्कि फांसी घाट पर घसीटी जाएगी तू, तब मिलेगा मुझे सुकून। बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? क्या कुछ नहीं किया तुमने बाबा के लिए और उन्होंने ये सिला दिया तुम्हारी मोहब्बत का? खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, बाबा ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। कयामत आ नहीं जाएगी, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि कयामत आ ही गई है। इससे अच्छा तो ये होता कि बाबा अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट देते। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों चिल्ला रही हो? अगर उम्र में थोड़ा बड़ा भी है और फैमिली, बड़ी हो या छोटी, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे फर्क पड़ता है। और अगर ये रिश्ता इतना ही अच्छा है
तो पप्पा सायरा का रिश्ता क्यों नहीं करवा देती इससे? तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें ऐसे बाबा और पप्पा पर कुर्बान होने नहीं दे सकती। क्या करेंगे बाबा, मार देंगे, मर जाऊंगी मैं, मगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बस कर दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। बहुत हो गया पप्पा का ये सारा तमाशा, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। बकवास बंद करो अपना, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम सिर्फ इन हालात से भाग रहे हो मारो। अब हमसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, मैं तो सिर्फ अपनी खुशियां और अपनी वो बहन अजीज है। हम मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ उन पर बोझ हैं जिनको वो उतारना चाहते हैं। सारो, सारो, लगता है थक गई, सो गई। अम्मा, मुझे फिरोज अंकल ना अजीब से लगे। खबरदार, जो किसी के सामने अजीब और गरीब का, अब वो तुम्हारे होने वाले हमजुल्फ है। मुझे ऐसे हमजुल्फ नहीं चाहिए, मोहल्ले में निकलूंगा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तमीज से बात करते और बड़ों का अदब करते, भाई साहब की मर्जी है। रहने दो अम्मा, मुझे नहीं लगता कि मामू की मर्जी है। सायरा भी पूछ रही थी कि मामू को क्या हो गया कि फिरोज अंकल से मारूख की शादी कर रहे, मारूख का क्या कसूर है? सायरा ने तुमसे कब पूछ लिया? सायरा ने वापसी में पूछा था, उसे भी फिरोज अंकल पसंद नहीं आए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके सो जाओ। ठीक है। जब तुम्हें कोई एतराज ही नहीं है तो रोकर मातम करने की क्या जरूरत है? तुम सो क्यों नहीं जाते? मैं बाबा के पास गई थी, वो सो चुके हैं, लेकिन सुबह होते ही मैं उनसे लाजमी बात करूं। मारूफ, मैं तुमसे कुछ कह रही हूं। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम्हें झूठ लगता है तो झूठ ही सही, मगर प्लीज प्लीज मुझे सोने दो। आप इस सिलसिले में हमारी कोई मदद ना करेंगे?
फरमाइए। हमेशा की तरह आपकी हां में हां मिलाने के लिए खादिम पूरी तरह तैयार है। आपकी ये अदा शादी के बाद हमें कभी पसंद नहीं आई। तो आप बताइए, आप क्या चाहती हैं मुझसे? आपको हमारी मदद करनी चाहिए। मेरी मदद? वो किस तरह? हमें आपके मशवरे और सलाह की जरूरत है। मेरे कान पहली बार ऐसे रसीले अल्फाज सुन रहे हैं। वरना तो फैसला आप पहले करती हैं, मुझे उसमें शामिल बात भी करती है। अगर आप भी तो। बेगम साहिबा, कोई फरीदा आई है। फरीदा, तुम उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम अभी आते हैं। जी अच्छा। आप कुछ फरमा रही हैं? हम आपसे बाद में बात करते हैं। लगता है फरीदा अपने लालची दिल के हाथों मजबूर होकर हमें वो राज बताने आ गई है जिसे जानने के लिए हम दिन रात बेचैन रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, लगता है तुम्हें किसी ने चाय वगैरह का भी नहीं पूछा। सुगरा, सुगरा। जी बेगम साहिबा। माहा से बोलो कि उसकी भाभी आई है, और हाँ कोई चाय वगैरह का भी इंतजाम करे। जी अच्छा जी। क्यों तकल्लुफ कर दिए हैं? रहने दे बेगम साहिबा। तकल्लुफ कैसा? आज तो तुम हमारी खास मेहमान हो। महा, तेरी भाभी आई है और बेगम साहिबा ने कुछ चाय और कुछ खाने के लिए मंगाया है। भाभी कहाँ? डाइनिंग रूम में। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। ओह, हम समझे तुम। खैर, तुम्हें यकीन है कि तुम माहा से असल राज उगलवा लोगी? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कोशिश करना मुनासिब होगा। कहती तो तुम ठीक हो। अगर दुनिया के सारे लोग इसी तरह सोचने लगे तो पुलिस और तफ्तीश के तो सारे इदारे ही बंद हो जाएंगे। क्या कातिल कभी खुद इकरार जुर्म करते हैं? उनसे करवाना पड़ता है। अब देख लो इन दोनों माँ बेटियों को, ये कभी अपने इकरार जुर्म करेंगी? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। निम्रा कैसी है? तुम्हें बहुत याद करती हूँ। और फैसल? दोनों एक ही जान है, भला तुम्हें निम्रा याद करे और फैसल ना, ये कैसे मुमकिन है? और अजमल भाई कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बस कुछ देर बाद सबसे मिलकर खुद ही पूछ लेना। मैं समझी नहीं। फरीदा दो चार दिन को तुम्हें घर ले जाने को आई है, हमने भी इजाज़त दे दी है। कुछ दिन हो आओ अपने मैके। सच? जाओ, जाकर जाने की तैयारी करो। यहाँ क्यों खड़े हो? वो मैं इकबाल का इंतजार कर रहा था। मुझे देखने और उससे बातें करने के लिए घर भी तो आ सकते हो तुम। क्या? क्यों, क्या किसी ने मना किया है तुम्हें? नहीं, मैं अभी चलता हूँ। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आना।
बेटा। जी अम्मा, बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? अम्मा वो है ना, तुम्हारे बेटे की मोहब्बत रंग ले आई। शर्म नहीं आती माँ के सामने ऐसी बातें करता है? तो अम्मा पूछ क्यों रही हो? माँ हूँ तुम्हारी, और ये कपड़े बदल के कहाँ जा रहे हो? अम्मा वो महविश ने बुलवाया है। महविश क्यों बुला रही है तुझे? हाँ अम्मा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, मैं जा रहा था ना तो महविश ने मुझे बुलवाया और कहा कि थोड़ी देर के बाद ना घर आ जाओ, तो मैं वहाँ जा रहा था अम्मा। अरे बदखल, बात को समझने की कोशिश क्या कर, और ये महविश क्यों बुला रही है तुझे? अम्मा मैं जाऊंगा आऊंगा तो बताऊंगा ना, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, ये महविश क्या करने वाली है, ये बदखल का कहना बैठे, इसे क्या कहेगा? इसे तो कुछ पता ही नहीं है सिवाय दवाइयों के। आने दे, फिर पूछूंगी कि महविश क्यों बुला रही थी। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं? बात नहीं, बातें, लंबी लंबी बातें। मगर पहले तुम्हें ये सब करने के लिए कुछ करना पड़ेगा जो मैं कहूँ। कहूँ तो अपना दिल तुम्हारे कदमों में रख दूँ? ये भी शक्त है ना। मैं कौन सा बाहर मुल्क जा रही हूँ, यहीं तो रहूंगी आपके शहर में, और आपके हौसले को तवानाई देती रहूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तुम्हारे अब्बा जान से मशवरा कर लें तो फिर उन्हें बुला लेना। जी, कैसे आना हुआ? महविश ने बुलवाया। महविश ने? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, शायद मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया उसे। अच्छा आप अंदर आ जाएं। जी बाबा सब ठीक है, सब खैरियत है। सब ठीक नहीं है बेटा, मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान देखा नहीं। अच्छा तो तुम ये मानती हो कि वो बेचारा है, या तुम उसकी इज्जत करती हो? तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो, मेरा मतलब है कि वो सच इंसान की जबान पर आ ही जाता है, और मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो सही है। फारुख, फारुख। जी अस्सलाम वालेकुम। ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारी फूफो ने तुम दोनों बहनों के लिए टेलीफोन भेजे हैं ताकि तुमसे रابطہ रह सके। जी